जैसा कि मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये कितनी फ्रेश है कि ये देखें, ये इसके लब हिल रहे हैं अभी भी और गलफड़े भी हिल रहे हैं। ये चप्पल फिश 1000 रुपए किलो, 1250 रुपए किलो। ये पैरेट फिश कैसे? 900 रुपए किलो। 900 रुपए किलो, 650 रुपए किलो। 300 जो नहीं वहाँ पर शूट करते हैं। हाँ, यही वही रहा है। पिंक रुपए किलो, 1500 रुपए किलो, 1150 रुपए किलो। बस यहाँ से फिश खरीदे और फिर यहाँ पे पूरा सेटअप है। ये देखें, ये फिश फ्राई हो रही है और ये बन रही है झींगा कढ़ाई। 1100 रुपए किलो। हाँ, जिंदा है ये भी, जिंदा है। देखो सांस ले रहा है ये। देखो हाँ, ये कैसे बोल रहे हैं? 1100 रुपए किलो बेटा, सब अच्छे मछली है। 1250 रुपए एक केकड़े में। फिश ग्रिल बन रही है, झींगे का साइज अच्छा है। 1400 रुपए किलो। एक कितने का है? 150 रुपए भाजी। ये सादा जो है बगैर क्रेप का, ये 150 का है और विद क्रेप 350 का। मछली के बोनलेस करते हैं हम, उसको चूल्हा करके उसका मसाला बनाते हैं। सारी कपड़तान है और ये 500 रुपए किलो कह रहे हैं। काला दतिया, और ये भी काला दतिया 650। पतली सी होती है और इसमें जो है बहुत कांटे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आज हम मौजूद हैं किमाड़ी फ़िश मार्केट में और हम फ़िश लेने आए हुए थे, तो मैंने कहा कि मैं अपने व्यूवर्स को भी बताती हूँ कि फ़िश के क्या रेट्स हैं आजकल, क्योंकि यहाँ पर कराची में सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हैं। किमाड़ी फ़िश मार्केट में वैसे तो ताज़ी ही मछलियाँ होती हैं, जैसे कि मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये कितनी फ्रेश है कि ये देखें, ये इसके लब हिल रहे हैं अभी भी और गलफड़े भी हिल रहे हैं। ये बिल्कुल फ्रेश मछली यहाँ पे, ये जितनी भी थी ना, ये सब जो हैं बिल्कुल फ्रेश थी। ये वाली 1700 रुपए किलो और ये वाली सब 1700 रुपए। ये बड़ी वाली भी 1700 किलो से ऊपर की होती है ना, एक्सपोर्ट की, एक्सपोर्ट वाली। ये छोटी छोटी है, ये मुल्ला है। मुल्ला कैसे? 1100 रुपए किलो। ये कौन सी है? ये तीर से जो नहीं वहाँ पर शूट करते हैं। हाँ, यही वही हीरा है, पिंक। और ये हीरा कैसे? ये कितने रुपए बताए? 1200 हीरा, 1200 ये 1100 1300 रुपए किलो। व्यूवर्स मछली फ्रेश होगी ना तो सख्त होगी, ये देखें, और दूसरी ये कि स्लीपी होगी, बिल्कुल चिकनी होगी ऊपर से, तो आप समझ जाइएगा कि ये बिल्कुल फ्रेश मछली है। और कुन कैसे दे रहे हैं? 1250 रुपए किलो। वाइट कुन, काला कुन 650 रुपए किलो। रेड स्नैपर हीरा 1350 रुपए किलो, हीरा 1300 रुपए किलो, पापलेट 1400 रुपए किलो, छोटा 1550 रुपए किलो, मुल्ला 1150 रुपए किलो, सारम 850 रुपए किलो, चाया 1150 रुपए किलो, छोटे घिसर के दाने पड़े हैं 1200 रुपए किलो, छोटा पापलेट 1400, उसका 1500, घिसर 1500, जंदिया 1000, छोटा हीरा 1350, तुरंत 1250, भाई 1500, नामा घिसर 800, वाइट पापलेट 1250। वाइट पापलेट का दाना दिखाएं, छोटे हैं। काला पापलेट कैसे अंकल? काला पापलेट 1400 रुपए किलो। और ये कौन सी है? ये कौन सी है? 1550 रुपए किलो। आप 2800 रुपए लेना, कटिंग का 2800 रुपए कटिंग का लेगा आप, सारे टेस्ट का टाइम ले लो। हाँ, 2800 रुपए लो। ये वाइट दो या 200 रुपए इतना मिनिमम नहीं तो मारे मेरा भाई। यार वेट आप को बता, ये कौन सी लगा? ये चाय आप मारे, हमारे को 4 रुपए चाहिए। तो चाय बोल, चाय पीतर नहीं, चाय। ये कैसे? ये चाय, चाय है कैसे किलो? 1150 रुपए 1150 रुपए किलो। सर्दियों की वजह से क्या रेट है? और ये पैरेट फिश, ये पैरेट फिश कैसे? 900 रुपए किलो। 900 रुपए किलो पैरेट फिश आता है ना, रफ्ते से अभी भी पकड़ा है रफ्ते। और इसका रेट जिंदा के ज़्यादा बता? नहीं, जिंदा के ज़्यादा नहीं बता रहे, माल नहीं है भाई। मैं क्यों जिंदा?
माल आ, ये वाली कैसे? हीरा हीरा है, 1100 रुपए किलो। हाँ जिंदा है, ये भी जिंदा है, देखो सांस ले रहा है। ये देखो, ये कैसे बोल रहे हो? 1100 रुपए किलो बेटा, सब अच्छे मछली है मेरे बेटा। भाजी ये सादा जो है बगैर क्रेप का ये 150 का है और विद क्रेप 350 का है। लोग पसंद कर रहे हैं इसको? बिल्कुल पसंद करते हैं, मेरी बहन तब तो लगाया हुआ है। ये पहले नहीं था ना, कितना टाइम हुआ लगाए? सर्दियों में बहुत अच्छा है भाई। एक महीना हुआ मैं तो आज ही इधर खोला हूँ। आज फर्स्ट टाइम है? नहीं, इससे पहले मैं इधर आगे था, नियाजी के पास था, समझे? अच्छा, ये हमने फर्स्ट टाइम यहाँ देखा ना आपने? यहाँ फर्स्ट टाइम। हम यहाँ पहले राजू सुपर पॉइंट के नाम से लगा देते, हमारी फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टा पर आपको वीडियो मिलेगी राजू सुपर पॉइंट के नाम से। अच्छा, अभी आज ही लगाया, कोई सेटिंग पूरी नहीं हुई है। मछली के बोनलेस करते हैं, जब चूल्हा करके उसका मसाला फिर समोसे रोलों में हम डालते हैं। अच्छा, जो कहते हैं फिश के कबाब है, फिश के समोसे, तो इस तरह ये मिलते हैं। और जो अपने हाथ से जब बनाओगे ना वो ताज़ा रहेगा। जो अगर बाजार से खरीदोगे तो आपको कोई भी मच्छी का डाल के देंगे, गंदी मच्छी का भी डाल के। अगर अपने हाथ से लेके बनाओगे तो फायदे मिलेंगे। साफी मच्छी होती है और हम एमरजैक होता है और अपना सुनाप होता है और अपना सारम होता है, ये फिंगर में चला जाता है। इस पर वेस्टेज कम गिरता है और जाया भी कम होता है इसमें। और इसके अलावा सुरमाई भी कम है। बाकी छिलके वाले में सबसे ज़्यादा जायेगा और नुकसान है, उसमें जाया भी बहुत होता है, उसमें परसेंटेज भी कम आता है। और फिंगर फिश बनाना चाहिए तो कौन सी मछली का बनाए? फिंगर फिश बनाना चाहिए तो सुरमई का बना सकते हैं। सुरमई का बहुत अच्छा बनता है। उसके बाद आ जाओ सारम पे, सारम पे भी कम जाया होता है, सारम का भी अच्छा बना जाता है। सही सही। चप्पल फिश 1000 रुपये किलो, उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। नाम है चप्पल। तो व्यूवर्स, हमने पहले भी ये चप्पल फिश जो है वो टेस्ट की है, बहुत ही लाजवाब इसका टेस्ट होता है। अगेन हमने ये लिया है, लेना हमें ज़्यादा था लेकिन अभी सिर्फ एक ही थी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अंकल ये चप्पल फिश सर्दियों में आती है खाली या गर्मियों में भी आती है? सर्दियों में ज़्यादा आती है, गर्मियों में बहुत कम आती है। अच्छा, और साफ़ी कब आती है? साफ़ी आपको गर्मियों में मिलेगी ज़्यादा। गर्मियों में? जी हाँ, गर्मी में इनका मौसम होता है। साफ़ी हो गई आपको, पत्तल हो गया, ककावड़ हो गया, ये आपको गर्मियों में मिलेगा। अच्छा, क्योंकि गर्मियों का वो है। और सारम भी आपको गर्मी में ज़्यादा मिलेगा। सही, नहीं साफ़ी का टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। साफ़ी अभी आपको मिल जाएगा, किसी के इक्का दुक्का जाना पड़ेगा तो मिल जाएगा आपको। अच्छा, तो ये चप्पल मच्छी है ना, चप्पल मच्छी सबसे अच्छी है। ये आपको वाइट पापड़ के बाजारों में सफ़ेद पापड़ करके देते हैं। इसका पीस बना के रख देगा ना, ये जो फ्राई वाले होते हैं वो, ये कहते हैं देखो बिल्कुल सफेद पापलेट का चीज़ है। यहाँ से भी देखे जी, बिल्कुल सफेद पापलेट लगेगा इसमें। गाय धोखा खा जाती है, जिनको पहचान नहीं होती है ना वो धोखा खा जाते हैं। इसका असल नाम चप्पल है। कब से है अंकल यहाँ पर शॉप? ये तो मेरे को 15 साल हो गए मैं यहाँ आया हूँ, मेरे से पहले से ही। माशाल्लाह 15 साल मुझे हो गए यहाँ पे आए हुए। सही सही। अच्छा, फिशरी से कब आता है किमाड़ी पे माल? फिशरी से नहीं आता है, यहाँ की जो कश्तियाँ होती है ना। अच्छा, वहाँ से आते हैं? जी हाँ, यहाँ की कश्तियाँ होती है वही लेके आते हैं। बाबा बेथवन से, मनोरे से, और अपना हिब्राह मेदरी से आता है। अच्छा, चश्मा गोट से माल यहाँ आता है। ज़्यादा कम पड़ता है तो फिशरी से आते हैं। माल शाद हो गया तो फिशरी से आ जाएगा। अच्छा, माल नहीं हुआ, माल कम हुआ तो फिर यहीं से आना चालू हो जाएगा। अब यानी कि थोड़ा माल शाद है फिशरी से भी आ रहा है और अभी जो माल चल रहा है तो अभी समझो कि यहाँ से चालू हो गया। अब जो गर्मी होगी ना, गर्मी में अगला महीना रेट कम हो जाएगा मच्छी का। शाबान का जो महीना चालू होता है इसमें मच्छी का दाम कम हो जाता है और जो ना इसमें बहुत से गरीब लोग भी खा सकते हैं। रमज़ान भी तो और कम हो जाता है। रमज़ान में ये ज़्यादा, रमज़ान में ज़्यादा मच्छी खाई नहीं जाती। ये 400 रुपए किलो जी भाई।
बिल्कुल ताजी है। ये सारी कपड़तान है और ये 500 रुपए किलो कह रहे हैं। ये भी है ताजी। कीमत बताएं? ये 550। 550। और ये वाली 450। ये कौन सी है? नदिया? काला नदिया। काला नदिया। और ये? ये भी काला नदिया 450। सलोनी जो होता है वो बोलेगा। और अगर ये पूरा लेते हैं तो इसमें कुछ 400 रुपए हो जाएगा। अच्छा, पूरा लेने पे 400 बड़े। अच्छा, ये दंडिया है, कैसे बोल रहे हैं आप? 350 रुपए। 350 रुपए किलो। ये सिल्वर पड़ा हुआ, ये 700 रुपए किलो। 700 रुपए किलो। और ये सुरमई पड़े। सुरमई? सुरमई कैसे? 800 रुपए। 800 रुपए कैसे हैं? 1400 रुपए। 1300 लगा दो। 1400 रुपए किलो है। एक उठाना हाथ में। झींगे का साइज अच्छा है। 1400 रुपए किलो। एक किलो में कितने झींगे आ जाएंगे? एक किलो में तकरीबन 35 तक आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, ये टाइगर झींगा है ना, ये वाला? फिर वापस चले जाएंगे। कौन सी मछली है? कौन सी? चिन। चिन। ये चिन पतली सी होती है और इसमें जो है बहुत कांटे होते हैं, है ना? पतली सी और बहुत कांटेदार। तो व्यूवर्स, यहाँ पर आइए और ये फिश मार्केट से फिश खरीदिए, बिल्कुल फ्रेश और ताज़ा। और व्यूवर्स, ये कुकड़ है और 650 रुपये किलो इन्होंने बताया है। तो इसे ना समंदरी मुर्गी भी कहा जाता है। ये कौन सी है? दंडिया। कैसे है? 800 का दाना, 800 रुपए किलो। और ये झींगे कैसे चल रहे? 1200 रुपए किलो। और सुखट पापलेट? 2500। व्यूअर्स, यहाँ से फिश खरीदे और फिर यहाँ पे पूरा सेटअप है। ये देखें, ये फिश फ्राई हो रही है और ये बन रही है झींगा कढ़ाई। कैसे किलो है ये? 800 रुपए किलो। सिर्फ बनाई का? जी, बनाने का। सिर्फ बनाने का 800 रुपए किलो ले रहे हो? और झींगा अलग से खरीद कर दो? जी, झींगा अलग से हम खरीद कर देंगे। खुशबू आ रही है बहुत ज़बरदस्त, तो इंशाल्लाह कभी आएंगे फिर खाएंगे। ये फिश फ्राई के क्या है चार्जेस? एक किलो मछली के क्या है? 300 रुपए किलो ले रहे हैं। फिश ग्रिल बन रहे हैं। पूरा सेटअप लगा हुआ है। ये ग्रिल फिश के क्या चार्जेस ले रहे हैं आप? बनाई के 400 रुपए किलो। बनाई कितनी देर में रेडी हो जाएगा? 10 मिनट। तो इसके लिए कोई भी फिश आपको ला कर दे दें? दंडिया। तो व्यूअर्स, ये थी केमाड़ी फिश मार्केट। और मार्केट के साथ ही अब ये जो सेटअप लगा है बहुत ही ज़बरदस्त काम हो गया। आप यहीं से ख़रीदो और यहीं पर खा लो, ज़बरदस्त। तो ज़रूर आइएगा और कैसा लगा है मेरा ये ब्लॉग ज़रूर अपने कमेंट्स में मुझे बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।